मैं तो ये कहता हूँ कि यदि डोटासरा को कोई चैलेंज करने वाला है, कोई टक्कर देने वाला है, तो सिर्फ वो एक ही लाल है और वह है सुभाष महरिया। नमस्कार, आज हमें सीकर के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बने पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहां भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा इस वक्त सीकर में प्रवेश करने के बाद में रामगढ़ और फतेहपुर होते हुए कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं और स्टेडियम के अंदर ही जो बड़ा पंडाल लगा है, जहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं करी गई है आम सभा के लिए, लोग पहले से बड़ी संख्या में वहाँ भी मौजूद हैं। इस वक्त कार्यक्रम शुरू हो चुका है, स्थानीय नेता इस वक्त जनता से रूबरू हो रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं और यहाँ से लगातार लोगों का आना जारी है। लक्ष्मणगढ़ में अगर कांग्रेस के सामने किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो सबसे पहले आता है भारतीय जनता पार्टी के सुभाष महरिया का। कहा जाता है कि सुभाष महरिया ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी मेहनत करी है और इसी वजह से उनके यहाँ पर काफ़ी सारे समर्थक मौजूद हैं। और आने वाले चुनावों को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम जनता का मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई सच है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सुभाष महरिया है। नहीं, बीजेपी के तो हैं लेकिन फिर भी सुभाष महरिया है, सुभाष महरिया आएगा। दिनेश जोशी साथ देगा क्या उनको? बिल्कुल बिल्कुल देगा। आपका क्या कहना है भाई? सुभाष महरिया जिंदाबाद। तो डोटासरा जी ने काम नहीं करवाया क्या? काम की बात नहीं है, हम तो महरिया जी के महरिया को बोल रहे, जो काम तो करवाया है, पर उन्होंने बोला ना जो RRS को बिल में बांट देंगे वो उनको दिखाना है कैसे बिल में बांटते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, वो विकास करे क्या की खातर जद युवा ने नौकरी कौन दे रही? एक सपोज करो जब नौकरी कौन बिना पी सामना सड़क पर चादर करेंगा कि मतलब इस बात को जवाब चाहिए। मेरी बात सुनो, आ सीट अगर जे अगर सुभाष जी ही नया पार लगाओगो नहीं ना को लागेगो को नहीं। अजय मोदी जी दे रहे ना बापड़ो रोजगार घणो ही दे रहे और कमी है रोजगार के माने थे रोजगार में पिसा के लाऊ रहे हो रोजगार है जो सिलेंडर आज टाइम के अनुसार सही चाल रहे। दूसरी बात है जगह मिर्ची लहसुन तेल दे दिया के मान नकली वाड़ो है के मान भ्रष्टाचार है के मान क्यों आ थी को नहीं सब भ्रष्टाचार है कुछ भी नहीं है। हाँ मिट्टी बांट रहे हैं माहौल तो बीजेपी को लाग रही है टाइम पर। बीजेपी में भी कई घूम रहे हैं, कई घूम रहे हैं जिकन टिकट मिली सी जिके कई साथ से किन दिरा रहे होटल को इसने भी दे दो मेरी हिंदी और हमें तो मारे कैश दे दी दे तो काम को ना करवाएगा काम करना क्यों है बोले बिजली में देखा फसल बड़की मार दो बाजरो बड़को क्या जीतता को मेरी हो मेरी क्या देश ने सके लेके चल रही बीजेपी बा देखो ने लक्ष्मण थोड़ी लेके चलनो है रोजगार दिया तो बाकी रोजगार दिया उनके किन किन संभाली तो पूरी इंडियन लेके तो वह तो पूरा देश ने लेके चल रहे पूरा देश ने लेके चल रहे वो देश के लिए क्या कर रहे हो कौन दिख रही होगी सोदिया मंदिर बनवाया है कांग्रेस का बनाया सोदिया दबोई मंदिर बनवाया है कटे कटे बनवाया है थोड़ी चाहिए पढ़ाई लिखाई रोज पढ़ाई लिखाई के मंदिर की हुआ उनके सोदियो कटे सोदिया अभी तो जाके मंदिर में छोटी बात है क्या। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप सबसे कृतज्ञ निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाएं भारत माता की। तीन नारे भारत माता की लगाएगा भारत माता की भारत माता की भारत माता की। हमारा परम सौभाग्य है कि लक्ष्मणगढ़ की पावन धरा पर परिवर्तन यात्रा के शीर्षक नेता हम सब के बीच पधार चुके हैं और हम सब इस परिवर्तन यात्रा को सुंदर बनाने के लिए एक बड़ा मन रखते हुए बड़ा भाव रखते हुए हम केवल और केवल हमारे कमल में विश्वास करें भारत माता के विकास में भारत के राष्ट्र के विकास में विश्वास करें। मैं
इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे परिवर्तन यात्रा लक्ष्मणगढ़ पहुंच चुकी है और मंच पर काफी सारे बड़े नेता मौजूद हैं, जिनमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, लक्ष्मणगढ़ सीट से पहले चुनाव लड़ चुके दिनेश जोशी, सुभाष महरिया, प्रेम सिंह बाजोर, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष इंदिरा गिठाला सहित कई सारे नेता मौजूद हैं। हरिराम रणवा जो कि लक्ष्मणगढ़ से भाग्य आजमाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त लगातार भाषण दिए जा रहे हैं, लोग उद्बोधन दे रहे हैं और यहाँ की जनता से ये वादा चाह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में लक्ष्मणगढ़ में कमल खिले। लेकिन इस वक्त ये भी देखना ज़रूरी है कि लक्ष्मणगढ़ से बहुत सारे लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, इनमें से किसे टिकट मिलेगी और किसका कौन साथ देगा, ये भी आने वाले समय में देखना है। हमें इस बात का खेद है कि राजस्थान के अनेक जिलों की चर्चाएं होती हैं, सबसे ज्यादा सीट अगर किन्हीं जिलों ने दी तो वो शेखावाटी ने दी थी कांग्रेस को, लेकिन हमारी 21 सीटों के बारे में आज के मुख्यमंत्री ने एक बार भी राजस्थान की विधानसभा में पानी के मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं की। राठौड़ साहब ने बारंबार पानी के लिए आवाज उठाई, बारंबार घेरने की कोशिश की, लेकिन वो बच के निकल गए, एक जवाब आज तक नहीं दिया। एक उछल कूद करने वाला प्रतिनिधि, बार बार विधानसभा हो, विधानसभा के बाहर हो, लोगों के अपमान करने के लिए राजस्थान में जिसकी पहचान बन चुकी है, लोगों का स्वाभिमान डिगाने के लिए 24 घंटे लालायित रहता है, एक ऐसा प्रतिनिधि जो बड़े बुजुर्गों की इज्जत तो दूर की बात, उसके पिता शिक्षक रहे और इसी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के 30-35 शिक्षकों का जिस प्रकार से अपमान किया, राजस्थान में हमें नीचा देखना पड़ा। राजस्थान में हमारी मैं मित्रों ये भी कहना चाहूंगा, कह रहे हैं कि आजकल हमने विकास बहुत किया है, एक एक गांव की जो सड़क है उसको हर पंचायत को 10-10 जगह गिनाया है। सड़कें जो है, जो पुरानी सड़कें थी, उन सड़कों के ऊपर किस प्रकार से काम हुआ है, सड़क बनी नहीं, उसके पहले ही खड्डे पड़ गए। सड़कों की बात अगर कोई करें तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो शुरुआत की थी, उस समय हमारे सीकर जिले में मात्र 250 राजस्व ग्राम और पंचायतें जुड़ने के लिए थी। आप लोगों के आशीर्वाद के कारण, आप लोगों का सर पे हाथ था, उसका नतीजा यह हुआ कि 726 पंचायत ग्रामों में हमने वो सड़क पहुंचाने का काम किया, जो आज भी वहां पर बराबर चल रही है, अच्छी से अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। कि ये सुभाष कहां से आ गया, ये राजेंद्र राठौड़ तो विधानसभा में बोलता नहीं, अरे राजस्थान की विधानसभा में कौन बोलता और कौन नहीं, तो जनता जानती है। मेरे को जब गुस्सा आ जाता है तो मैं छील देता हूं, ऐसा बना देंगे कि नाथी के बाड़े में जांटी रख देंगे और जांटी छीलने का काम करना। ये इस वक्त अंदर सभा चल रही है और बाहर आप देख सकते हैं परिवर्तन यात्रा की गाड़ियां, जिनमें परिवर्तन यात्रा में शामिल नेता आए हैं, मॉडिफाई किया गया है, सबके ऊपर स्टिकर्स लगाए गए हैं, पूरा कवर इन्हें परिवर्तन यात्रा की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा परिवर्तन संकल्प यात्रा, साथ आए परिवर्तन लाए, जन जन की पुकार, आ रही भाजपा सरकार। और यही दावे इस मंच पर हो रहे हैं इस वक्त, जहाँ लक्ष्मणगढ़ की बैठी जनता को ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है और आने वाले समय में विधानसभा के 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी और सीकर सहित अन्य विधानसभाओं में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक आएंगे। और लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया, दिनेश जोशी सहित हरिराम रणवा और अन्य कई दावेदार भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन अभी हमें जो देखने को मिला वो काफ़ी अलग था। लक्ष्मणगढ़ की जनता आज यहाँ इस परिवर्तन यात्रा में शामिल नेताओं को सुनने के लिए आई, लेकिन जैसे ही सुभाष महरिया का भाषण ख़त्म हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ से अब निकलने लग गए हैं। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये सब यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि सुभाष महरिया का भाषण इस वक्त ख़त्म हो चुका है।
और अंदर मंच पे जो सुभाष महरिया के आने के बाद जो नारे लग रहे हैं सुभाष महरिया जिंदाबाद के, यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई है या फिर लोगों का ये माहौल है कि सुभाष महरिया को ही वो इस वक्त लक्ष्मणगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार के तौर पे देख रहे हैं कि उनका भाषण खत्म हो गया, इन लोगों के लिए यहाँ पर कार्यक्रम ही समाप्त हो गया जैसा, जबकि अभी जो मुख्य नेता हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके सहित अन्य जो नेता बड़े नेता परिवर्तन यात्रा में शामिल हैं उनका बोलना शेष है। और किसी समय केंद्रीय मंत्री रहे सुभाष महरिया भी दावेदारों की लिस्ट में है, तो उनके लिए आपको क्या लगता है कि बाकी के जो दावेदार हैं उनके बजाय क्या उनका वेटेज ज़्यादा है? आजकल का दिनेश जी दिक्कत ये हो गई है कि राजनेता ज़्यादा हो गए हैं, जन नेता कम हो गए हैं। मेरे हिसाब से प्रदेश नेतृत्व को, केंद्र नेतृत्व को राजनेता के बजाय जननेता को तरजीह देनी चाहिए। जननेता का मतलब जो जनता के दर्द को समझे, उनके सुख दुख में भागीदार बने, उनकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान करे और अपना दर्द, मतलब जनता का दर्द को अपना दर्द समझते हुए जो कार्य करे। ऐसे जननेता जो भी प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व की लिस्ट में जो भी जननेता एक नंबर पर आता है उसको टिकट दे, अब वो चाहे महरिया जी हों, रणवा जी हों, अन्य कोई भी हों, लेकिन जननेता को तरजीह देनी चाहिए। अभी आपने देखा आज परिवर्तन यात्रा के लक्ष्मणगढ़ में आने पर आयोजित आम सभा को, जो लक्ष्मणगढ़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई, जहां पर काफी सारे लोगों ने आए और इस सभा में पधारे सभी बड़े नेताओं को उन्होंने सुना और इसके साथ ही यहां से दावेदारी कर रहे लोगों के बारे में भी उन्होंने अपनी आम राय सीकर संदेश के साथ साझा की है। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आने वाले समय में लक्ष्मणगढ़ में किस तरह से चुनावों का माहौल रहेगा और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे सुभाष महरिया के दावेदारी जताने को लेकर आपके क्या विचार हैं। सिक्का संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।